हेलो भाइयों, मैं हूँ प्रफुल्ल लाकड़। ये है भाई अपने पास मारुति सुजुकी एर्टिगा का VXI वेरिएंट, जो कि CNG में है। इसमें अपने को भाई ऐसी कुछ की मिल जाती है, रिमोट की है। बाकी इसमें अपने को लॉक और अनलॉक करने का बटन मिल जाता है। बाकी इसमें कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एर्टिगा की। तो भाई मारुति की भाई जो 7 सीटर गाड़ियाँ हैं उनमें अपने को एक XL6 और एक ये मिलती है। सबसे पहले तो आप इनकी लुक्स देख लो, बाकी फिर अपन आगे बात करते हैं। ये इसकी भाई साइड लुक, बाकी ऐसे कुछ है इसकी फ्रंट लुक। ऐसे कुछ है बाकी। अगर भाई अपन बात करते हैं एर्टिगा की, तो ये भाई वो लोग लेते हैं जिनका बजट कम है, जिनको स्पेस चाहिए, मतलब जिनकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, जिनकी फैमिली जो बड़ी है उनका बजट कम है, तो उस सेगमेंट में ये गाड़ी अच्छा खासा ऑफर और वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट है। बाकी तो अपन और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इसके डायमेंशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ इसमें अपने को मिल जाती है 4395 mm की, जो कि काफ़ी मतलब आप बोल सकते हो बड़ी है, जिससे अपने को भाई जो अंदर बोलते हैं ना फंसने वाली चीज़, वो अपने को इस गाड़ी में फील नहीं होगी, क्योंकि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी भाई ऑब्वियसली गाड़ी में स्पेस भी ज़्यादा होगी। देन अब बात करते हैं मैंने इसकी विड्थ की, तो विड्थ भाई इसमें अपने को मिल जाती है 1735 mm की, जो कि वो भी काफ़ी सही है। बाकी अगर इसकी हाइट की बात करते हैं, तो इसमें अपने को मिल जाती है 1690 mm की। बाकी अगर इसके बिल बेस की बात करें, 2740 अपना mm का बिल बेस इसमें मिल जाता है। टर्निंग रेडियस की बात करें, 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस है। ग्राउंड क्लियरेंस करीबन 170 mm की मिल जाती है। बाकी यहाँ अगर टायर्स की बात करें, तो ब्रिजस्टोन के टायर मिल जाते हैं। प्रोफाइल इनकी भाई अपने को मिल जाती है 185/65R15। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। बाकी अपने को इसमें व्हील कवर भी मिल जाते हैं। फ्रंट में बात करते हैं, बाकी ये भाई अपने को CNG वेरिएंट है। इधर बात करते हैं, अपने को प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, इधर पे अपने को हेलोजन है, बाकी ये प्रोजेक्टर है। बाकी फॉग लैंप इस वेरिएंट में अपने को नहीं मिलती, बट एक्सेसरीज में ये अपने को मिल जाते हैं, अगर आपको डलवाना है तो आप डलवा सकते हो। बाकी ऐसी कुछ डार्क क्रोम टाइप की इसमें अपने को ग्रिल मिल जाती है, बीच में सुजुकी का लोगो है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है बीच में। बाकी फ्रंट लुक ऐसी कुछ मिल जाती है, इधर पे अपने को टोइंग हुक मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें, तो अपने को काफ़ी बोल्ड लुक फ्रंट में मिल जाती है। ऊपर बात करें, तो इधर पर अपने को जो है वाइपर्स मिल जाते हैं, मैनुअल वाइपर्स हैं, एक एंटेना है। देन साइड में बात करते हैं, तो अपने को जो प्रोफाइल वगैरह वो आपको बताई थी। बाकी बॉडी कलर ORVM है 10 इंडिकेटर के साथ, बॉडी कलर ही अपने को इसमें डोर हैंडल जो है मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके पीछे, तो भाई इसमें अपने को LED टेल लैंप मिल जाते हैं, इधर पे अपने को इंडिकेटर एंड बैक लैंप मिल जाता है। आप एर्टिगा की भेजेंगे, 4 reverse सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर है, बाकी इधर पे अपने को सुजुकी का लोगो मिल जाता है, भेजेंगे। बाकी हाई माउंट स्टॉप लैम्प इसमें अपने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अपने को फ्यूल लिड मिल जाता है। अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ, तो डुअल एयरबैग, ABS, CVT, सीट बेल्ट रिमाइंडर, साइड एंड फ्रंट टॉर्जन बीम, बाकी अपने को सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स में अपने को मिल जाते हैं। अपन डोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे अपने को लॉक अनलॉक करने का बटन है, ऑटो डाउन पावर विंडो है ड्राइवर साइड, बाकी क्रोम डोर हैंडल है। बाकी यहाँ से आप डोर को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। 1 लीटर बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर है। बाकी यहाँ पे अपने को स्पीकर मिल जाता है। बाकी ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर, भाई शोर आ रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। बाकी यहाँ पे अपने को एक डेड पेडल मिल जाता है, और तीनों इधर पे पेडल्स हैं। फ्यूल अपना जो पेट्रोल और CNG का, उसको आप इधर से चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अपन ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और हेडलाइट लेवल है। बाकी इधर पे टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन है,
बाकी ऐसी कुछ सीट्स हैं इनकी, कुछ नहीं, काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे अपने को हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता, लेकिन अपने को जो है वो मिल जाता है, एक लाइन वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लिड खुलने का इवर है। बाकी यहाँ पे अपने को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ से आप जो अपना कप होल्डर है, जो अपने को वेंट्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप जो अपने ग्लास वगैरह उनको ठंडा रख सकते हो। आप इधर से ऑन करके इधर से हवा आ जाने लगी। बाकी इधर पर 12V का एक पोर्ट मिल जाता है, USB और ऑक्स का पोर्ट है। यहाँ पर अपने को AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये मोड्स हैं, फैन स्पीड है। बाकी इधर पर टेम्परेचर कंट्रोल है, AC का बटन है। यहाँ पर भाई अपने को मिल जाता है रिसर्कुलेशन वगैरह के बटन्स। बाकी ग्रे एंड बीच कलर का इंटीरियर है। यहाँ पर अपने को हैंड ब्रेक मिल जाता है मैनुअल। इधर पर एक रियर में अपने को 12V का एक पोर्ट मिल जाता है। आगे इधर पर अपने को फ़ोन रखने की स्पेस है, ऐसा कुछ है इसका ग्लोव बॉक्स। बाकी बात करें स्टेयरिंग की, तो अपने को 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पे अपने को मोड्स और म्यूट का बटन मिल जाता है। इधर पे कुछ नहीं मिलता, बीच में सुजुकी का लोगो एंड एक रिंग मिल जाती है। बाकी इधर पे अपने को बात करें फोन और ब्लूटूथ कंट्रोल्स, वाइपर एंड लाइट के कंट्रोल्स हैं। अब बात करते हैं भाई अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो सबसे पहले बात करते हैं टैकोमीटर की। इसमें अपने को 8000 RPM में टैकोमीटर मिल जाता है, 220 में स्पीडोमीटर मिल जाता है। बीच में अपने को MID डिस्प्ले मिल जाती है, देख सकते हो प्रकार मिल जाता है। यहाँ पर अपने को जो है मोशन, टॉर्क, पावर, एक्सेलरेशन, ब्रेक, CNG रेशो वर्सेस पेट्रोल रेशो, CNG की कैपेसिटी कितना है कितना नहीं है। बाकी यहाँ पर अपने को पेट्रोल और CNG का फ्यूल गेज मिल जाता है। ट्रिप बी, एवरेज रेंज, डिस्टेंस टू MT, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। बाकी ये अपने को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ऐसा कुछ म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। बाकी आप इधर से ब्लूटूथ कर सकते हो। ये AC वेंट्स हैं, इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता कि AC वेंट, ऐसा लगता है भाई पूरा अपने को वो मिल जाता है। बाकी मैनुअल IRVM है, इधर पे एक लाइट मिल जाती है, यानी यहाँ पे अपने को एक मिरर मिलता है। बाकी इधर पे अपने को मिलता है टिकट होल्डर, ड्राइवर साइड सनराइजर पर। और यहाँ पे अपने को ऐसे कुछ वेंट्स मिलते हैं जो कि ठंडी हवा इधर से खींचते हैं एंड उस तरफ निकालते हैं। लोगों को भाई यह लगता है कि यहाँ से अपने को हवा आती है, बट हवा नहीं आती। और काफ़ी भाई अगर सीट की कुशनिंग की बात करें, काफ़ी सही है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बेहतरीन इसमें अपने को जो है मिल जाता है। यहाँ से आप CNG में स्विच कर सकते हो, ऊपर देख सकते हो पेट्रोल का। बाकी भाई मारुति की गाड़ी जो है CNG अगर आप लेते हो, तो वो सिर्फ पहले पेट्रोल में ऑन होंगी और बाकी फिर CNG में चालू होती है। अगर आप टाटा वगैरह की लेते हो तो वो डायरेक्ट CNG में ही ऑन होती हैं। तो भाई अपना ये सब चीज़ें हो गई हैं, अब चलते हैं अपन इसके पीछे। तो पीछे भाई गाड़ी में रखा है थोड़ा सामान। अब सबसे पहले भाई ये देखो इसका डोर कितना बड़ा था इसका। बाकी इधर पे पावर विंडो है, यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल, बाकी इधर पे स्पीकर, बॉटल होल्डर और मैगजीन होल्डर है। बाकी यहाँ पे अपने गाड़ी का जो एक्सेसरीज का सामान होता है, मैट वगैरह, वो रखा हुआ है। बाकी यहाँ बीच में अपने को सिर्फ एक 12V का पोर्ट ही मिलता है, सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह कुछ नहीं मिलती। यहाँ पे अपने को फैन स्पीड कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे अपने को 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड रियर में बात करें तो यहाँ पे अपने को कप होल्डर मिल जाते हैं, तो और सीट बेल्ट्स देखो इसमें है तो मिल जाती हैं। बाकी इनको फोल्ड करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, 60-40 स्प्लिट इसमें अपने को सीट्स मिल जाती हैं। इनको जो है आप ऐसे करके आगे जो है, बाकी इसका बूट ओपन करके देख लेते हैं। तो करीबन 150 लीटर के आसपास की बूट स्पेस है। यहाँ पर अपने को CNG टैंक मिल जाता है एंड जैक वगैरह जो सब आइटम है। बाकी 60 लीटर की इसमें अपने को CNG की कैपेसिटी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर अपने को जो है वो सब सामान मिल जाता है। यहाँ पर अपने को जैक वगैरह रखा मिल जाता है, देख सकते हो। बाकी भाई अब बात करते हैं इसके जो है इंजन्स की। ऐसे अगर पीछे बात करूं तो अपने को ठीक ठाक जो है स्पेस मिल जाती है। अगर आप 7 लोग जा रहे हो, अगर आप कम लगेज रखते हो, सपोज 2 बैग के अंदर ही सारा आप जो है कपड़े वगैरह रखते हो, तो उसमें अपना काम हो जाएगा। बाकी भाई अब बात करते हैं अपन इसके इंजन ऑप्शन की। तो
यहाँ से आप इसका जो है बोनट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने को मिल जाता है 1.5 लीटर का K15 फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इसमें अपने को भाई अगर पेट्रोल में बात करते हैं तो अपने को 80 जो है 108 bhp की पावर और 131 nm का टॉर्क मिल जाता है। वहीं अगर बात करते हो आप CNG में, तो CNG में भाई अपने को 86 bhp की जो है अपने को पावर मिल जाती है, एंड टॉर्क की बात करें 121 nm का जो है इसमें अपने को टॉर्क मिल जाता है। अगर CNG में भाई अगर अपन एवरेज की बात करते हैं तो वो मिल जाता है करीबन 30 से 32 किलोमीटर पर आवर का, और सॉरी के एम पी एल का। और अगर बात करते हैं पेट्रोल की, तो इसमें अब भाई करीबन अपने को 20 से 22 के एम पी एल का इसमें अपने को माइलेज मिल जाएगा। यहाँ पे इंसुलेशन से ABS वगैरह की ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी कैसी लगी आपको भाई मारुति सुजुकी अर्टिगा कमेंट में बता देना। अगर हाँ भाई, और सस्पेंशन रह गए हैं तो सस्पेंशन इसमें अपने को आगे MacPherson स्टार विद कॉइल स्प्रिंग मिल जाते हैं, पीछे टॉर्जन बीम विद कॉइल स्प्रिंग मिल जाते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।